आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सियासी हलचल तेज। आज तक के दंगल में बोली आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़। प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, कहा चुनावी प्रक्रिया में धांधलेबाजी सामने आई, लोग लगातार बीजेपी को रिजेक्ट कर रहे हैं, बीजेपी जीतने के लिए वोट चोरी करती है। आपकी सरकार ने टेबल किया पार्लियामेंट में पिछली जनवरी में, उसमें साफ लिखा है कि 2016 से दिल्ली की हवा साफ हो गई। आपके बाकी जो आरोप है वो देखिएगा कोर्ट में, इसी तरह फटकार लग के सब कुछ निकलेगा। दो साल हो गए आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाते। आप सच बोलना शुरू कीजिए, राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं पर है आप भाजपा से, साफ साफ बात कीजिए ना, ताकि हम फिर साफ दिखाएंगे बात करेंगे। आप ऐसे घुमा के बातें करते हैं। तो चित्रा जी, आज मुद्दे पर रहते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जो लोकतंत्र की हत्या, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा प्रकरण देख के बार बार कहा, देखिए ये जो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फिर मणिपुर का भी डिस्कस कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर फिर हर जगह का डिस्कस कर लेंगे, जहां भाजपा है जहां मध्य प्रदेश में रोज रोज में इंसिडेंट सामने आ रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, पर अभी बात हो रही है इलेक्टोरल प्रोसेस की। सर चुप रहिए प्लीज, इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो रही है, इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधलेबाजी सामने आई है। ये एक छोटा सा चुनाव था और छोटे से चुनाव के लिए भाजपा किस हद तक गिरी ये हम सब ने देखा है। आप सोचिए जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं जहां 90 करोड़ लोग वोट देते हैं, तब ये किस तरह की धांधलेबाजी करते होंगे, तब तो कैमरा में भी नहीं होता। तो ये लगातार भाजपा को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, पसंद नहीं करते। भाजपा या तो ऑपरेशन लोटस करती है या फिर वोट चोरी करती है, जो आज सबके सामने क्लियर हो गया और भाजपा को माफी मांगनी चाहिए।